हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, एक फॉर्मूला 15 नंबर फिक्स, वो भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में। लेकिन कैसे, क्या है फॉर्मूला, ये आपके मन में प्रश्न होगा। जल्दी हम उसको डील करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं ये बता दूं, ये केवल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए नहीं है, और केवल 15 नंबर ही फिक्स नहीं करेंगे, ये 15 से ज़्यादा करेंगे। 15 मैंने बोला कम से कम, ये 15 से ज़्यादा करेंगे। और ये हिंदी के लिए भी होगा, सोशल साइंस, साइंस, जिसके लिए भी, जिसमें भी साइको का प्रश्न आते हैं उसके लिए ये लागू होता है। तो चलिए बिना देरी के लिए शुरुआत करते हैं। फॉर्मूला मेरा पूर्णतः प्रैक्टिकल है, उसे याद नहीं करना है, उसे केवल समझना है। सपोज कीजिए मैं या आप स्वयं को अनुभव कीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, और जो भी बच्चे हैं आप उसके भगवान हैं, आप उसके कर्ता धर्ता हैं। बच्चे में, प्रत्येक बच्चे में, एक बच्चे में नहीं, प्रत्येक बच्चे में उसका सर्वांगीण विकास, उसमें अच्छाइयाँ, सब कुछ उसका विकास आपको करना है, वो भी प्यार से। ना आप उसको मार सकते हैं, ना उसको डांट सकते हैं, ना उससे रटवा सकते हैं। सब कुछ उससे करके सिखाना है, करके सीखे, सक्रिय रूप से सीखे, खोजबीन करके सीखे, और जो भी उसके पास तर्क शक्ति है उसका वो उपयोग करे, उसको बढ़ाए। कैसे बढ़ाएगा, जो भी उसका पुराना ज्ञान है, जो भी अभी तक सीखा है, उसको जोड़ते हुए उसको आगे बढ़ाना है। जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उसके प्रॉब्लम हैं, उसको सॉल्व करना है, उसको पूरा करना है, और प्रैक्टिकल सिखाना है, यानी करके सिखाना है। उसे खोजबीन करवाना है, उसको सक्रिय रखना है, और साथ में कभी भी अपनी इच्छा, जब आप भगवान हैं तो उसकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखना है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात हमेशा होती है कि बच्चे को केंद्र में रखना है, चारों तरफ आप घूम रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स में, उसके लक्ष्य निर्धारण में, चारों तरफ आप उसे हेल्प करेंगे। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि इसका मैथ कमजोर है, मैथ इसका ठीक कर रहा हूं, किसी इंडिविजुअल के लिए आप नहीं लड़ेंगे, इंडिविजुअल विषय के लिए भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आप उसके सर्वांगीण विकास करने की बात करते हैं। सब कुछ आपके हैंड में है। बचपन से ही वो सक्रिय रहता है, बचपन से ही बहुत तेजी से सीखता है, तो उसकी बचपन अवस्था को आपको देखना है। कभी भी गिफ्ट वगैरह की और लालच की भावना उसके अंदर पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को आपको अच्छा बनाना है, वो अच्छा बने, आगे चल के नाम आपका रोशन करें। भगवान भी तो यही करते हैं ना, प्रैक्टिकल रूप से मुझे धरती पे छोड़ देते हैं और सब कुछ हम करके देख सीख रहे हैं, वही चीज हमें भी करना है, और केयर भी हमारा करते हैं, मानना तो यही है ना, बस वही चीज है। हम कभी पक्षपात नहीं करेंगे, इसका ये कर दे, भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात करते हैं, नहीं करते हैं ना, वैसे ही हम भी नहीं करेंगे। इसको गिफ्ट दे दिए, ये बहुत तेज है, ये किया है, वो किया है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हम जानते हैं कि सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ये तेजी से सीखता है, ये स्लो सीखता है, ऐसा होता है। हो सकता है कि उसके अंदर अनुवांशिकता हो, यानी उसके जैसे कोई खिलाड़ी है, चाहे कोई टीचर है, जब कुछ भी है, तो उनके अंदर की क्षमताएं उसके अंदर हो, तो ये चीज हमें देखना होगा कि वहां से आया है, फिर यहाँ पर्यावरण में उसको मिलेगा तो हो सकता है वो चेंज हो जाए। अगर खेलने वाला बच्चा हो तो हो सकता है खिलाड़ी के बच्चे हो, खेलने वाले बहुत तेज हो, तो ये चीज हमें देखना होगा, एक एक चीज, एक एक पॉइंट देखना होगा, और उसका सर्वांगीण विकास करना है। बस यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला में मैंने यही बताया कि हम उसके बच्चे के भगवान हैं, और सब बच्चे पे व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत सापेक्ष रूप से ध्यान देंगे, उसके लक्ष्य में मदद करेंगे, उसके परेशानियों में मदद करेंगे, उसके आवश्यकताओं में मदद करेंगे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हमेशा उसे जिज्ञासु बनाएंगे कि वो खोज करे, करके सीखे। और कभी भी
गिफ्ट वगैरह की बात नहीं करेंगे और कभी भी अपनी इच्छा उस पर नहीं लादेंगे। सब कुछ उससे परिवर्तित करेंगे, सब कुछ उसे बताएंगे, पुराने ज्ञान को जोड़ते हुए नए ज्ञान देंगे, उसे नए अनुभव कराएंगे और उसका सर्वांगीण विकास कर देंगे। बस इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा जितना मैंने बोला है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिएगा। एक बच्चे में सब कुछ चेंजिंग करना मेरा धर्म है, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं जो भी पढ़ने आता, और सब मेरे बच्चे हैं, एक नहीं, एक ही पे ध्यान नहीं देना, कमजोर है तो उस पर भी ध्यान देना है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, घर की परेशानी होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, कारण तो जानेंगे ना क्यों नहीं सीख रहा है। सिखाना मेरा काम है, क्योंकि हम उसके खुदा हैं, उसके भगवान हैं, उसके गॉड हैं, उसको जैसे भी है उसको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, वही शिक्षक होता है। शिक्षक को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया इसी कारण से, तो हम तो अभी भगवान की बात कर रहे हैं। चलिए, पॉइंट यही है, फॉर्मूला यही है, बस इसी को समझना था और कुछ नहीं। अब इसी पे सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको सीटेट में, जो भी अप्लाइड मोड के क्वेश्चन होंगे सब इसी पे बेस्ड होंगे, कहीं से नहीं आते, उसके ऑप्शन भी इसी पे बेस्ड होंगे। आप आपको आज मैं लाइव दिखाता हूं, ये 2016 में पेपर फर्स्ट में पूछे गए सवाल हैं, जो केवल और केवल मैं 15 दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसका मैं पार्ट टू भी लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक जरूर करना होगा, कॉमेंट में जवाब जरूर देना होगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इस वीडियो को जो मैंने कंसेप्ट बताया उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सुनिएगा, ताकि वो आपके मन में पूर्ण रूप से बैठ जाए, कोई भी डाउट नहीं रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, और लगातार क्वेश्चन देखेंगे, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पेपर फर्स्ट का है, ये पेपर सेकंड के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये सीटेट का है और लगातार मैं इसका प्रश्न दिखाऊंगा, 15 क्वेश्चन को आज हम डील करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। मैं आपको यहां बता दूं, यहां हम लोग शॉर्टकट से चलेंगे, अगर मैं बताना चाहूं तो संप्रत्यात्मक विकास क्या होता है ये सारा चीज मैं डील करके बता सकता हूं, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला बताया उसी पे बेस्ड होके सारे ऑप्शन को चेक करते हुए सही करना है हमको, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि मेरा फॉर्मूला काम भी करता है कि ऐसे ही समझा दिए। चलिए आज शॉर्टकट बताएंगे, अगर आपको किसी भी प्रश्न में चाहे कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, किसी भी टॉपिक को क्लियर करना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्नों का, ताकि उस पर मैं अगला वीडियो बना सकूं। चलिए ऑप्शन नंबर एक देखते हैं, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। मैंने बोला था एक शब्द यूज किया था तर्क शक्ति का, ये जहां तक है थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, चलिए तर्क शक्ति की बात की जा रही है, तो चलिए ये थोड़ा सा अच्छा लगा हमें। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का, हटाइए इसको, दंड की बात की जा रही है, हमें प्यार की बात की है और प्यार से हम सिखाते हैं, हट गया ऑप्शन नंबर टू, हट गया। चलिए ऑप्शन नंबर थ्री, पुराने प्रतियों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रतियों को अपने आप समझा जाना चाहिए, यानी जो भी पुराने उसको छोड़ के उसके बिना फिर बोल रहा है, फिर हटाइए प्रत्यय को जो हम स्पष्ट करेंगे, वैसे कंसेप्ट भी मान सकते हैं, इस पे लेक्चर देंगे वो कुछ देर लग जाएगा, लेकिन कंसेप्ट मानिए, जो भी पहले से सीखा हुआ है उसके बिना कुछ सिखा सकते हैं क्या, उसे समझा सकते हैं क्या, चाहे समझ सकता है क्या, हटा दूं, चलिए हट गया। याद कराने के लिए कहकर, याद कराना नहीं है, मैंने बोला था रटवाना फटवाना नहीं है, उसको हटा, बचा कौन, ऑप्शन नंबर एक यही बचा ना, तर्क शक्ति का उपयोग करना बताया था इन्होंने, टिक कर दूं, चलिए लॉक कीजिए, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू को भी देखते हैं हम लोग। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखेंगे, तो चलिए ऑप्शन नंबर एक है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की, फिर आ गया एक सब्जेक्ट ना गणित वाला बात कर रहा है, और का सब्जेक्ट उसके घर जाएगा का,
अरे सर्वांगीण विकास करना है, सब कुछ करना है, हटा दूं, चलिए पढ़ लेते हैं पूरा ऑप्शन। गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, चलिए हटा दिया हमने। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, सारे अधिगमों में वही आगे रह गए, अब बच्चे क्या घंटा बजाएंगे, नहीं ना, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा कर, निष्क्रिय सबसे ज्यादा बच्चे को सक्रिय रखना है, करके सिखाना है, हटा दूं। तीन नंबर ऑप्शन, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आवश्यकता जो भी उनकी संवेग, अब संवेग पे चर्चा थोड़ा सा, संवेग मिस हो गया आपका इमोशन, जैसे क्रोध, कोई उनकी इच्छा है, भय हुआ, ये सब संवेग हैं, चलिए शॉर्टकट से चल रहे हैं, जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, भाई पहले ही बोला है जो भी समस्या आवश्यकता है उसका तो भाई मुझे देखना है, ऑप्शन नंबर थ्री थोड़ा सा ठीक लगा। जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है, अब यहां पे मैंने पहले से बता रखा कि बच्चे को मैंने बीच में रखा, केंद्र में रखा, तो मेरा अधिकार कहां हुआ, बच्चे के अनुसार तो हम सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, जब हम ही अधिकारी हो जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, देख रहे हैं ना सरकारी लोगों का। चलिए इस पे बात करते हैं। और स्पष्ट आदेश, अब यहां देखिए एक और प्रश्न है, आदेश भी देना, याद रखिए आदेश देना होना नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए, ऑप्शन काट दूं, ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति है उसे करना, ये बताया था मैंने, तीन नंबर सही है, कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ तो ऑटोमेटिक आंसर आ रहा है, और ये सीटेट का ही क्वेश्चन है, मैंने अपने खुद से नहीं बनाया, लगातार क्वेश्चन चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देख रहे हैं हम लोग। एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। एक बच्चा है, कौवा उड़ रहा है, उसको देख के कहता है, एक पक्षी, अब बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ऑप्शन ए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। अगर बात की जाए सीटेट की तो उसने ऑप्शन नंबर एक दिया था, ए बी सी। अगर बात की जाए अरिहंत बुक की तो उन्होंने केवल यह आंसर दिया था, केवल बी, यानी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, निश्चित ही ऑप्शन बी बहुत ही सही है। लेकिन सीटेट ने इसका आंसर एबीसी क्यों दिया था, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सीटेट ने क्या किया था, बच्चे के अनुभव बताने, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए, यहां पे उन्होंने सोचा कि जो भी बच्चे के पास अनुभव है उसे बताने के लिए भाषा का कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, ये भी लगभग सही है। एक ही बात करता हूं मैं, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है, देखिए बच्चे में स्मृतियां पहले से भंडारित होती है, ये सही है, लेकिन एक सेंस में ये गलत भी हो जाता है। कैसे गलत होता है, मतलब बच्चा कुछ, ये भी तो हो सकता है कि बच्चा पहले से कुछ सीखा हुआ ना हो, सिखाएंगे तभी तो भंडारित होगी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ऑप्शन आप ए बी सी को भी लेकर चल सकते हैं, वैसे बी 100% सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, मतलब ऐसा क्या कहे, ऐसा क्या करे चाहे क्या कहे कि भीतरी प्रेरणा, यानी अंदर की जो प्रेरणा है ना, अंदर की क्षमताओं से वो काम करने लगे, अंदरूनी जो क्षमता होती है उससे आंतरिक रूप से वो काम करने लगे, कार्य करने लगे। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, गिफ्ट उपट नहीं देना, पहले बताया मैंने ना, हटा, इसे करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो यानी ट्राई करो, तुम सीख जाओगे। हमेशा उसे सक्रिय रखना, हमेशा उसे पॉजिटिव बातें करना है, निगेटिव कभी नहीं करना है, को ये ट्राई करने के सेंस में है, आप सीख जाओगे, उसके बारे में पॉजिटिव आप बोल रहे हैं तो ये सही है। चलिए मतलब लगभग सही है, पूरा 100% नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे और भी ऑप्शन पढ़ने हैं। चलिए ऑप्शन नंबर थ्री पे चलते हैं। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, चलो इसे उसके करने से पहले, मतलब मैं बच्चे में डिफरेंस पैदा कर रहा हूं, पक्षपात कर रहा हूं, मैंने बोला कि पक्षपात वगैरह की बात नहीं होना चाहिए, सबको व्यक्तिगत रूप से मुझे देखना है, हो सकता है कोई जल्दी सीखता, हो सकता है कोई लेट से सीखता है, ये मैंने बता दिया पहले,
ऑप्शन इसे लेके चलूंगा उससे पहले, क्या वो भगवान बन गया है क्या? ये मेरे बच्चे नहीं है, दोनों तो मेरे ही है ना, तो मैं चाहूंगा ना कि दोनों का विकास हो, निश्चित रूप से हो सकता है जल्दी सीखता हो, वो लेट से सीखता हो। ऑप्शन काट दूं, हटाओ ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर चार, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते हो? फिर से वही बात, कैसे होगा भाई, दोनों में डिफरेंस है तो। देखो उसने एकदम काम ठीक कर दिया, हटाओ हटाओ ये सब ऑप्शन हमको चाहिए नहीं। ऑप्शन नंबर टू हमें अच्छा लगा, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो ऑप्शन नंबर टू को लॉक किया जाए, निश्चित ही एक नंबर फिक्स है। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? वही अंदर की क्षमता जो है आंतरिक रूप से, कैसे क्या कर सकती है कि वो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित हो जाए? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी डील कीजिएगा ना तो अंडरलाइन कर दीजिए जो भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ अंडरलाइन आप कर सकते हैं कि यहाँ से ये है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं को भी अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। ये सब बातें हमेशा याद रखिएगा। और इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आते हैं तो ये सब ध्यान रखिए, बड़े से डरिएगा नहीं। अधिकतर जब बड़ा बड़ा जब आंसर देता ना उसमें से अधिकतर बड़ा वाला आंसर कभी कभी सही हो जाता है। तो चलिए अगर वो पॉजिटिव बात करता है तो, बच्चे के संदर्भ में बात करता है तो, चलिए यहाँ हम चलते हैं और ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर, चलिए थोड़ा सा अच्छा लगा, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक एक की बात हो रही है। चलिए दूसरा ऑप्शन, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉपी, फिर गिफ्ट उपट की बात हो रही है ना, गिफ्ट तो हटा देना है हमको। तीसरा, उनमें चिंता और डर पैदा करके, हमने बोला ना बच्चे मेरे हैं, चिंता और डर क्यों पैदा करेंगे, मारेंगे पीटेंगे क्यों, हटा दूं, हटो। चौथा, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, को प्रतियोगिता वगैरह तो होता ही रहता है, वो तो जानता है कि मैट्रिक इंटर का एग्जाम वगैरह है, को थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि मैं उसी को लेके चलूंगा कि प्रतियोगिता करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो तो ऐसे ही करा देते हैं हम लोग, अच्छा लगा नहीं ना। अब व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छा लगा, एक एक बच्चे का विकास करना, उसका लक्ष्य निर्धारित करना, कैसे निपुण हो इसमें उसका सहायता देना, बच्चा भी खुश हो जाएगा आंतरिक रूप से कि मुझे ये बनना है। जैसे पूछते हैं ना हम लोग, आप क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ आपके सामने है, प्रैक्टिकल रूप से देखिए, ऑप्शन तो आपके सामने है, टिक तो करना है केवल। हाँ, सीटेट 100% क्वालिफाई हो जाएंगे अगर कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। व्यक्तिगत रूप की बात हो रही थी, इंडिविजुअल की बात मैंने की थी, इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा, 5-1। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, ठीक है। पहला, दंडात्मक उपायों का उपयोग करके, फिर दंड की बात की गई, हटा दूं, चलिए पढ़ लेते हैं पूरा ऑप्शन, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, आ गई बात, हाँ पीटीए उसके बाद सम्मान करते हैं, बाहर जाके गाली देगा अच्छे तरीके से, हटाता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 2, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, क्या बात है, मतलब इसीलिए पढ़ाना है कि पास हो जाए, इसीलिए जाता है बच्चा कोचिंग करने, यही सब करते रहिए आप लोग, वो सब नहीं करना हमें। चलिए ऑप्शन नंबर 2 भी हटाता हूँ। तीसरा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, जी हाँ, जिससे वो जिज्ञासु बने, प्रश्न पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखे, करके सीखे, ये चीज उनके अंदर लाना होगा तभी तो आगे बढ़ेगा वो, उसे आगे बढ़ाना है, उससे बनाना है, उसके अपने पैर पे वो खड़ा हो, सब कुछ देखे, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं, परिवर्तन कैसे लाएगा जब उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो। हम भगवान है ना, हम चाहते हैं ना कि ये लोग बढ़े, हमारे पूर्वज काम किए हैं तभी तो हम लोग यहाँ हैं, अब इससे अधिक हमको करके दिखाना है और हमसे भी अधिक बच्चों को करके दिखाना है, हम उसी के शिक्षक हैं, तो आई बात ना, उसका कितना केयर टेक करना है वो हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सही लगा आपको, 3, चलिए पूरा पढ़ते हैं। और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, बहुत अच्छा। चलिए 4 नंबर, रटकर याद करने के लिए, फिर रटना फटना आगे हटा देता हूँ मैं, याद करें जिससे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, हटा देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर 3 आपको लगाना सही है, चलिए सही है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन एक व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यहां भी इंडिविजुअल की बात की जा रही है तो मुझे अच्छा लगा, इंडिविजुअल की बात होगी मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि मुझे सापेक्ष रूप से कैसे सीखे प्रत्येक बच्चा उस पर हमको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, प्रतियोगितात्मक कक्षा, ये तो मैंने पहले ही हटा दिया, प्रतियोगी होगा तो प्रतिद्वंदी भी बनता है, अभी तेज है वो तेज नहीं है, बाद में दोनों में क्या होगा, कराएगा अरे ये तो बहुत कमजोर है पढ़ता है लिखता नहीं है। चलिए तीन देखते हैं, निरंतर तुल्यात्मक, वही मैं बात बता रहा हूं, तुलना करना, ये तो कभी नहीं करना, कभी भी तुलना फुलना नहीं करना बच्चों में, अरे आपके बच्चे हैं, हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंस हो सब में, होता ही है, होगा क्या, होता ही है, कोई तेजी सीखता है कोई जल्दी सीखता है, ये चीज हमें देखना है ना। चलिए चौथा, शारीरिक दंड, मतलब मारना पीटना ऑप्शन में देना है तो इनको बहुत जरूरी है, हटा दूं, हट, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एक व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, विकास का सिर पदाभिमुख, सिर मतलब होता है सर यानी सिर, और पदाभिमुख यानी पद, पद मींस क्या होता है पैर, आंसर सॉल्व, सिर से पैर की ओर। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि किस प्रकार आगे बढ़ता है, ये आप पहले चैप्टर में विकास कैसे होता है वृद्धि कैसे होता है ये चीज आपने पढ़ा होगा, तो विकास के संदर्भ में जब भी चर्चा होती है तो उसमें ये शब्द जरूर यूज होता है, सिरा पदाभिमुख यानी सिर से पैर की ओर वो बढ़ता है विकास करता है वो। ऑप्शन टू, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र हटा दीजिए, सामान्य से विशिष्ट को हटा दीजिए, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर ये भी हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ देखिएगा तो क्वेश्चन में ही आंसर सबका छिपा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हमने बोला है हमेशा, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, व्यस्का अवस्था जानते हैं ना एडल्टहुड, तो दूसरा देखिए प्रारंभिक बचपन का समय यानी स्टार्टिंग का समय, तीसरा जन्म पूर्व का समय तो बात ही नहीं है, जन्म पूर्व कैसे हो सकता है, जन्म से पहले क्या सिखाएंगे बच्चे को, मध्य बचपन का समय, मध्य बचपन यानी कुछ सीख चुका है उसके बाद, अरे भाई सबसे जरूरी है प्रारंभिक बचपन का समय, उसी समय चेंजिंग करना होता है, जब स्टार्टिंग में अगर आप बचपन ही कहीं बिता देगा बच्चा, प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसी में चोरी चमारी सब सीख लेगा तो क्या होगा, वैसे ही बन जाएगा ना, तो प्रारंभिक बचपन बहुत सक्रिय होता है, बहुत तेजी से सीखता भी है बच्चा, वो बहुत ही संवेदनशील समय है, उसमें बच्चे को चेंजिंग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक 6 वर्ष की, और मैं ये भी बता दूं जितने पॉइंट थे सबका मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला में बताया, वो ठीक से दोबारा सुनिएगा सारा चीज उसमें मिल जाएगा। चलिए 10, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, असाधारण योग्यता मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही करके दिखाती है खेलकूद में, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, यानी यहां आ गया वंशानुक्रम यानी अनुवांशिकता की बात आ गई, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, कहीं भेजते हैं कि जाओ बाबू यहां सीखो, यानी वातावरण की भी बात आ गई, वातावरण यानी पर्यावरण यानी इस एनवायरमेंट में, और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं यानी जो तायक होता उसमें उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, किसके बीच का बात होगा, तो मैंने दो ही शब्द यूज किया अनुवांशिकता और पर्यावरण, वही सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास, कुछ करना ही नहीं है बस क्वेश्चन पढ़िए आंसर उसी में है। अभी तक 10 क्वेश्चन देखा आपने, कहीं भी कुछ लगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है सीटेट निकालना, बहुत ही आसान है, थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन है, समय थोड़ा लगता है, लेकिन आराम से पूरे प्रॉब्लम्स को छोड़ के पढ़िएगा तो कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हम निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, गौण मतलब कम, वाहक मतलब फैलाने वाले ले जाने वाले, तो कौन है,
गौणवाहक सेकेंडरी भी कहा जा सकता है, मतलब एक प्राइमरी होता है यानी मुख्य रूप से, एक होता है सेकेंडरी, चलो ले जा रहा है। इसमें परिवार को कभी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि परिवार होता क्या है कि क्योंकि समाजीकरण का स्टार्टिंग परिवार ही होता है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग समाजीकरण परिवार से ही होता है, तो थोड़ा इससे दूर रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन के, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, दूसरा है परिवार और रिश्तेदार, तीसरा है परिवार और पास पड़ोस, चौथा है विद्यालय और पास पड़ोस। कोई यहाँ पे अगर सीटेट की बात की जाए तो उसने इसमें आंसर दिया था विद्यालय और पास पड़ोस। अगर अरिहंत की बात की जाए तो उन्होंने ऑप्शन दिया एक विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ विद्यालय तो होगा, ये फिक्स हो गया। अब बात आती है पास पड़ोस। देखिए यहाँ पे मैं पास पड़ोस के साथ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पास पड़ोस समाजीकरण में मदद करता है। अब यहाँ पे निकटतम परिवार के सदस्य अगर कुछ की संख्या होगी तो आप अरिहंत के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर एक निश्चित ही सही होगा अगर कुछ सदस्य हैं तो यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे पास पड़ोस भी हो सकता है अगर बच्चे के संदर्भ में, अगर वो पास पड़ोस में खेलने नहीं जाता है तो ऑप्शन नंबर चार सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, अच्छा ये थ्योरी से संबंधित है, कुछ क्वेश्चन थ्योरी से जरूर मिलेंगे आपको, और इसमें तीन तो जरूर मिलेंगे और वो होंगे वाइगोट्स्की, कोहलबर्ग, पियाजे। और अभी तक हम शॉर्टकट से चल रहे हैं, कि शॉर्टकट में मुझे बस यही आता है वाइगोट्स्की जब भी बात करता है तो वो संस्कृति, सामाजिक, ये सब हमेशा बोलते रहते हैं, बस मुझे इतना ही पता है कि वो संस्कृति सामाजिक वगैरह पता नहीं क्या क्या कहता है। मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा लेकिन ये शॉर्टकट है ना, तो शॉर्टकट में बस इतना ही आता है मुझे थ्योरी। अगर आपको वाइगोट्स्की में थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा मैं एवरीथिंग उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जो भी क्वेश्चन पूछे उसके साथ। अब हम बात करते हैं कोहलबर्ग की, इसमें दूसरा आता है कोहलबर्ग, उससे भी संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। ये नैतिक शिक्षा के पीछे तो पढ़ ही गए हैं और हमेशा कहते हैं ये अच्छा लड़की है वो बुरा, मतलब अच्छा लड़का लड़की के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। और नैतिक शिक्षा में तीन तरह के बताए हैं, वो मैं सारा चीज थ्योरी में बताऊंगा लेकिन बस इतना मुझे अभी पता है। और तीसरा है पियाजे, पियाजे की तो बात ही छोड़ दी, उन्होंने चार भागों में बांटा है, चारों का स्टेज बताया है जो आपको पता होगा, ये थ्योरी में मैं बताऊंगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, उस पर वीडियो आ जाएगा। और साथ में दो तीन शब्द है बड़ा लिखते हैं वो, स्कीमा, समावेशन, समायोजन। साथ में मैं ये भी चाहूंगा अगर आप स्कीमा, समावेशन और समायोजन इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में पूरा पूरा अच्छे तरीके से अपने शब्दों में क्लियर करें, थ्योरी नहीं अपने शब्दों में क्लियर करें कि ये तीनों क्या है। मैं वीडियो लेके आऊंगा अगर आपके कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं इस पॉइंट पे। तो फिलहाल क्वेश्चन पढ़े हम लोग, बस इतना ही मुझे आता है क्योंकि मुझे शॉर्टकट चलना है ना अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वेल वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन, चौथा सामाजिक अन्यन क्रिया। तो मुझे इतना पता है उस संस्कृति सामाजिक की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर चार टिक कर दो, चलो टिक कर दिया सही हो गया। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यहाँ पे अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर टू की, देखिए अच्छा लड़की का मैं लड़का लड़की का बात मैं कर चुका हूँ तो ऑप्शन नंबर एक आपको सही लग रहा होगा। दूसरा कानून और व्यवस्था अनुकूलन, तो ये तो उससे मतलब नहीं है क्योंकि नैतिक शिक्षा से संबंधित है। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ये भी नहीं है। चौथा सामाजिक संकुचन अनुकूलन, तो ये सारा चीज मैं क्लियर करूंगा लेकिन यहाँ पे अभी तक तो मुझे थोड़ा सा पता है कि अच्छा लड़का लड़की के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, तीन तरह के जो बताएं तो वो भी मैं स्पष्ट करूंगा थ्योरी वाले वीडियो। ऑप्शन नंबर एक के साथ जाते हैं, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तो निश्चित ही सही हो जाएगा। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ईश्वरीय न्याय पे विश्वास, हमने ईश्वर वगैरह के बारे में बात नहीं किया, बस इतना बोला है कि हम उसके भगवान हैं समझने के लिए मैंने बोला, इसलिए इसके साथ नहीं जाएंगे। दूसरा शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, पुनर्बलन जानते हैं आप लोग क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है यानी कुछ अच्छा करने पे शाबाशी वगैरह देना।
अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, तो ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा। प्याजे वगैरह इसके बारे में तो हमने बोला नहीं, और हमने ऐसा कुछ ये भी यूज नहीं किया टर्म स्टार्टिंग में भी। तीसरा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, हमने सक्रिय रूप से कहा है, खोजबीन शब्द भी यूज किया आपने, ठीक से देख लीजिए कि उसे खोजबीन करवाना, उसे नया चीज़ करके सिखाना, ये सब करके सीखेगा बच्चा, सक्रिय रहेगा तभी तो फायदा होगा। चार, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, तो ये सब नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा सकते हैं, निश्चित ही वो सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो भी आपका लगता है बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसी पे हम लोग क्लोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन स्कीमा का प्रयोग इन्होंने कर दिया। तीन चीज बताया था मैंने, उसमें स्कीमा आ गया है, संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, दोनों प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, को मैंने तीन शब्द यूज किया था, स्कीमा, समावेशन, समायोजन। ऑप्शन नंबर 2 में समावेशन और समायोजन है, तो उसे आप टिक कर देंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी और आपका ये भी प्रश्न सही हो जाएगा। तो आपने देखा 15 क्वेश्चन अभी हमने डील किया, 15 भी बचे हुए हैं, लेकिन इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन उस थ्योरी से हैं जो मैंने फॉर्मूला बताया, यानी 15 क्वेश्चन और भी बचते हैं, और भी इसके होंगे, जैसे हिंदी वगैरह है उसमें भी होगा, उसमें भी आप देखिएगा इसी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जो भी अप्लाइड मोड के क्वेश्चन होते हैं लगभग इसी से संबंधित होते हैं थ्योरी अगर हटा दिया जाए तो इतना प्रश्न देखने के बाद आपको लगा ना 10 से 12 क्वेश्चन बिना मेहनत के केवल उस फॉर्मूले पे अगर जाते हैं को बस टिक करना है, और वो फॉर्मूला कहीं आपको नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और कहीं एक जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अप्लाइड मोड के क्वेश्चन है, उतना तोड़ना थोड़ा आसान नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो उस पे हो और उसे भी हम क्लोज करें। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।